हेलो दोस्तों, मुझे सैमसंग के एक फोन में गूगल अकाउंट रिमूव करना था, जिसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर में सम फर्म AIO टूल इंस्टॉल करना था। लेकिन जैसे ही इसकी एप्लीकेशन फाइल पर डबल टैप करते हैं, तुरंत ही स्क्रीन पर दिस एप्लीकेशन कुड नॉट बी स्टार्टेड का पॉप अप विंडो ओपन हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आपके कंप्यूटर में Microsoft.NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने की मांग कर रहा है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर में Microsoft.NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते ही इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड का पॉप अप विंडो ओपन हो जाता है, जिसका मतलब हुआ कि .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं करते हैं, तब तक आप .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और जब तक .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप सैम फर्म टूल या अन्य कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का प्रोसेस दिखाते हैं, इससे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकेंगे। इस सर्टिफिकेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को इस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कर इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करके रन कमांड ओपन कर लेना है और MMC टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। एंटर या ओके प्रेस करते ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आप फाइल और फिर एड रिमूव स्नैप इन पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और फिर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट लोकल कंप्यूटर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अब सर्टिफिकेट लोकल कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हुए ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट पर डबल क्लिक करेंगे और फिर सर्टिफिकेट पर राइट क्लिक करके ऑल टास्क, उसके बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करते हुए उस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में मैंने ये सर्टिफिकेट डेस्कटॉप पर रखा है। सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट और फिर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिनिश पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर द इम्पोर्ट वाज सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा, जिसका मतलब हुआ कि आपके कंप्यूटर में सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब Microsoft.NET फ्रेमवर्क को दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में Microsoft.NET फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब एक बार सैम फर्म टूल भी ओपन करके देख लेते हैं, जो कि पहले ओपन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं कि ये एप्लीकेशन अब बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली ओपन हो रहा है।